हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट नोट ऑन विंड एनर्जी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आता है, पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन मिलता है विंड एनर्जी पर शॉर्ट नोट। अभी आज के वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज विंड, विंड पहले है क्या, कैसे विंड जनरेट होती है और उससे कितना पावर मिलता है, वो पावर कैसे हम बढ़ा सकते हैं और ये जो विंड है उसमें से पावर जनरेट करने वाली डिवाइस कौन सी है, कितने प्रकार की डिवाइस होती है, कैसे पावर जनरेट होता है, क्या एडवांटेजेस है इस सिस्टम का और क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सभी बातें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज विंड, तो शुरुआत वहां से करते हैं। व्हाट इज विंड क्या है, जिसको हम पवन कहते हैं, तो विंड है क्या, तो विंड जनरेट करने का कॉज या रीजन क्या है। इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन। और एक रीजन और भी है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसकी वजह से विंड जनरेट होती है। अनइवन हीटिंग जो होती है अर्थ सरफेस पर, लेयर पर, जिसको हम टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं, सोलार की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है और अर्थ खुद रोटेट हो रही थी, उसकी वजह से विंड जनरेट होता है। कैसे, मान ली ये हमारा समुन्दर है और ये लैंड एरिया है, तो नॉर्मली जो हाई टेम्परेचर वाली एयर है, जिसको हम वार्म एयर कहते हैं, वार्म एयर, तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा है तो वो एयर लाइट होगी, तो लाइट एयर ऊपर चली जाएगी, उसको कुछ अल्टीट्यूड मिलेगा, और जो कूल एयर है, कोल्ड एयर जिसको कहते हैं, कोल्ड एयर जो डेंस है, तो डेंसिटी की वजह से वो नीचे आएगी। तो वैसे करंट एस्टाब्लिश होता है ऊपर नीचे की तरह, वार्म एयर ऊपर चलती जाती है, कोल्ड एयर उसका स्थान लेती है और उसकी वजह से एक मूवमेंट जो स्टार्ट होती है वो विंड है। तो विंड की वजह है टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज टेम्परेचर डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर। जैसे हम कोई वेसल में पानी गर्म करते हैं और जैसे गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ठंडा पानी नीचे सरफेस, नीचे बॉटम पर चला जाता है, तो वैसे ही यहां होता है। वेसल में जैसे कन्वेक्शन करंट स्टार्ट होता है, वैसे यहां कोल्ड एयर इज कमिंग डाउन, वार्म एयर इज मूविंग अपवर्ड और उसकी वजह से ये विंड या पवन का निर्माण होता है। अभी दूसरा टॉपिक लिख सकते हैं, ये पहला टॉपिक व्हाट इज विंड, हाउ इज इट जनरेटेड। सेकेंड टॉपिक की बात करें, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर योर शॉर्ट नोट। सेकेंड पॉइंट, विंड में होता क्या है कि विंड में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल को फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। और ये कन्वर्जन के लिए जो डिवाइस यूज होती है, डिवाइस, उसको हम कहते हैं आइदर इट इज विंड मिल या उसका दूसरा नाम है विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को कहते हैं विंड मिल या विंड टर्बाइन। अभी कितना पावर जनरेट होगा वो तीसरा टॉपिक लिख सकते हैं, पावर जनरेटेड बाय विंड मिल। तो पावर जनरेटेड का इक्वेशन है 1/2 ρ a v^3 1/2 ρ a v^3। अभी हर एक लेटर के लिए जानते हैं रो मींस क्या। रो मींस इट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। फिर ए मींस क्या है, ए है पाई बाय 4 d स्क्वायर,
और डी यहां जो बनता है वो डी है डायमीटर ऑफ रोटर, डायमीटर ऑफ रोटर, जो घूमने वाला कंपोनेंट है रोटर उसका ये डायमीटर। एंड वी क्या है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड। ये तीन पैरामीटर्स को कोऑर्डिनेट करके पावर जनरेट होता है। आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ की एयर कितनी है, अगर जितनी एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी पावर जनरेशन ज्यादा होगा। डेंसिटी की मीन्स जितनी कोल्ड एयर होगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा बनती है तो पावर जनरेशन बढ़ेगा, प्रोपोर्शन में है। डायमीटर भी जितना ज्यादा होगा रोटर का उसके अनुसार एरिया ज्यादा मिलेगा, और एरिया ज्यादा मिला तो पावर बढ़ेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी, वेलोसिटी ऑफ विंड। पवन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसके क्यूब के प्रोपोर्शन में, वी रेस टू थ्री, मीन्स मान लो कि स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और उसका मैं सिर्फ डबल ही करता हूं 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन पावर में क्यूब के प्रोपोर्शन में पावर बढ़ेगा। 2 का क्यूब मीन्स 8 है, 4 का क्यूब डायरेक्टली 64 हो जाएगा, तो 8 टाइम्स द स्पीड मीन्स पावर विल बी प्रोड्यूस मोर। तो वी रेस टू थ्री का आप इंपोर्टेंस समझ सकते हैं। तो मेन जो पार्ट है वो है स्पीड ऑफ एयर, विंड की स्पीड कितनी है, और इसीलिए जो कोस्टल एरिया है समुद्र के आसपास जहां स्पीड ज्यादा मिलती है, जितनी भी स्पीड ज्यादा उतना पावर प्रोपोर्शन बढ़ेगा। अगर स्पीड कम हो जाती है तो पावर जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो हम बात कर सकते हैं इफ रो इज इंक्रीज्ड पावर इज इंक्रीज्ड, इफ डायमीटर इज इंक्रीज्ड पावर इज इंक्रीज्ड, एंड वी इज इंक्रीज्ड पावर इज इंक्रीज्ड। बट वी के 3 times वी इंटू वी इंटू वी, क्योंकि 3 times वी का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर स्पीड डबल होती है तो भी पावर का प्रोडक्शन बहुत ड्रास्टिकली ज्यादा बढ़ता है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट्स, ये सिंपल फिगर मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, वो है विंड मिल की फिगर है। अभी आप देख सकते हैं विंड मिल की फिगर, हमें पता है कि विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके जो पावर जनरेट करती है उस डिवाइस को हम विंड मिल कहते हैं। विंड एनर्जी का यूज करके क्या जनरेट करता है, पावर। तो उसके लिए डिवाइस है विंड मिल या विंड टर्बाइन। तो ये विंड टर्बाइन की फिगर है विंड मिल। विंड मिल कितने प्रकार की होती है, टाइप्स। तो विंड मिल्स के अगर टाइप्स की बात करें, बेसिकली देर आर 2 types। एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, और दूसरी है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइन या विंड मिल 2 प्रकार की है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से जो शाफ्ट की पोजीशन है ना वो हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और ब्लेड्स ऐसे लगी हुई है। अगर वर्टिकल है तो एक्सिस मीन्स शाफ्ट की पोजीशन वर्टिकल है और ब्लेड्स ऐसे लगी है। आप देख सकते हैं यहां जो फिगर है उसमें शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो फिगर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की फिगर है। तो ये बात क्लियर, 2 प्रकार की विंड मिल होती है। अभी ये काम कैसे करता है, जैसे विंड स्पीड बढ़ती है या विंड स्पीड की वजह से ये ब्लेड्स रोटेट होती है, विंड स्पीड या विंड इंपैक्ट करती है ब्लेड्स पर। ब्लेड का जो शेप है, ब्लेड शेप वो एरोफॉइल शेप है, एरोफॉइल, और एरोफॉइल शेप की वजह से जो इंपैक्ट मिलता है उसकी वजह से ब्लेड्स रोटेट होती है, और ब्लेड्स रोटेट होती है तो जो एक्सिस है शाफ्ट है वो स्पिनिंग होना स्टार्ट करता है, शाफ्ट स्पिन्स, और लो स्पीड से ये शाफ्ट घूमता है रोटर के साथ। तो यहां जो शाफ्ट दिखाया है वो है लो स्पीड शाफ्ट, बहुत ही कम स्पीड मिलती है क्योंकि ब्लेड्स रोटेट होती है तो ये शाफ्ट घूमेगा, लेकिन ये शाफ्ट की स्पीड काफी नहीं है पावर जनरेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ गियर बॉक्स अटैच कर देते हैं।
और गियर बॉक्स की वजह से उस शाफ्ट की स्पीड को हम बढ़ा दें, गियर रेशियो कितना कितने प्रोपोर्शन में है उसके अनुसार वो बढ़ता है। सिंपल लॉजिक है, मान लो कि ये जो गियर है वो लार्ज गियर है जिस पर टीथ है, मान लो कि इस पर 80 टीथ है, ये गियर है, और उसके साथ मैचिंग में दूसरा गियर है जिस पर 40 टीथ है, कितने टीथ है 40। तो अगर ये जो लो स्पीड से घूमने वाला गियर एक रोटेशन घूमेगा तब ये दो रोटेशन कंप्लीट कर देगा, 40 टीथ है इसलिए, क्योंकि 80 टीथ के साथ मैशिंग के लिए इसको दो रोटेशन कंप्लीशन करने पड़ेंगे। और मान लो कि एक और गियर इसके साथ जुड़ा है जिसका टीथ 20 ही है, तो फिर 40 टीथ मीन्स दो रोटेशन के वक्त ही चार रोटेशन घूमेगा, मीन्स 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरह से इसकी स्पीड बढ़ती है। तो बीच में गियर बॉक्स आता है, तो गियर बॉक्स की वजह से यहां जो शाफ्ट की स्पीड मिलती है वो हाई स्पीड शाफ्ट है, और रिक्वायर्ड स्पीड जब मिल जाए तो उसके साथ जनरेटर कनेक्ट करते हैं, और जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ जो माउंटिंग किया है और उसको हम एक स्ट्रक्चर की तरह एस्टाब्लिश करते हैं वो टावर है, उसको हम विंड टावर कहते हैं। तो इस तरह से पावर जनरेट होता है। आई होप द प्रोसेस इज क्लियर। ब्लेड्स, विंड की वजह से ब्लेड्स घूमती है, ब्लेड्स की वजह से लो स्पीड मिलती है, लो स्पीड को हम गियर बॉक्स की वजह से हाई स्पीड में कन्वर्ट करते हैं, और वो हाई स्पीड शाफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा है, जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर टावर की वजह से खड़ा है। स्टूडेंट्स, ये विंड पावर जनरेट करने के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट लोकेशन कौन से है? तो लोकेशन मीन्स एक तो बेस्ट है कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जहां विंड स्पीड हमें सफिशिएंट मिलती है, या फिर हाई स्पीड के लिए हाई अल्टीट्यूड पर हम इसको एस्टाब्लिश कर सकते हैं, ऊंचाई पर, हाई अल्टीट्यूड पर, वहां हमें विंड पावर अच्छी तरह से मिलेगा, तो प्रॉपर लोकेशन ही है। और अगर ओपन स्पेस है जहां एक से ज्यादा विंड मिल वैसे एस्टाब्लिश करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स आर एस्टाब्लिश ओपन स्पेस पर, तो उसको हम कहते हैं विंड फार्म, उसको हम कहते हैं विंड फार्म, पूरा खेत जैसा होता है कि जहां बहुत सारी विंड मिल्स इरेक्ट की है और पावर जनरेशन होता है। अभी ये जो टॉपिक है उसमें हम एडवांटेजेस की बात कर ले, क्या क्या फायदे हैं विंड एनर्जी के, एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, पहला एडवांटेज है दिस एनर्जी इज इन एग्जॉस्टेबल, इन एग्जॉस्टेबल, ये ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है, रिन्यूएबल है, बार बार हम यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, यह पहला एडवांटेज। फिर पॉल्यूशन फ्री है, कोई पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता है, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है विंड है, तो लाइक फॉसाइल फ्यूअल जहां कार्बन कंटेंट की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है वैसा यहां पॉल्यूशन होता नहीं है, तो पॉल्यूशन फ्री है। तीसरा एडवांटेज हम कह सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द डिवाइस इज लेस, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत मीन्स ये जो डिवाइस है या विंड मिल या विंड टर्बाइन कंस्ट्रक्शन सिंपल है तो मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। एक और है पावर जनरेशन कॉस्ट इज ऑल्सो लो, पावर जनरेट करने की ओवरऑल जो कॉस्ट है पावर जनरेशन कॉस्ट दैट इज लो, वो कॉस्ट भी लो है, तो ये दोनों खर्चे मीन्स एक्सपेंडिचर लो है, पावर जनरेशन कॉस्ट इज लेस। तो ये सभी एडवांटेजेस पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स। अभी बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ दिस स्कीम, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज या लिमिटेशन कहे तो ये जो सोर्स है वो डाइल्यूट सोर्स है,
विंड वाला जो सोर्स है वो डाइल्यूट है, फ्लक्चुएटिंग सोर्स है, कभी स्पीड मिलती है, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी स्पीड बिल्कुल नहीं होती है, तो एक कंटिन्यूस या कंसिस्टेंट सोर्स नहीं है, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टॉर्म है तो ज्यादा स्पीड मिलेगी, नॉर्मल डेज है तो स्पीड कंपेरेटिवली लेस है। सो ये पहला डिसएडवांटेज है। फिर ये जो पूरा ऑपरेशन है वो नोइजी ऑपरेशन है, आवाज ज्यादा करती है, क्योंकि विंड टर्बाइन जैसे घूमते हैं तो होल ऑपरेशन इज नोइजी। देन इंस्टॉलेशन वो जो है वो बल्की इंस्टॉलेशन है, बहुत हैवी इंस्टॉलेशन है, इतनी बड़ी साइज की जो विंड ब्लेड्स हैं उसको हम इरेक्ट करना है, पूरा टावर खड़ा करना है, तो इंस्टॉलेशन इज बल्की, ये कह सकते हैं। लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, स्पेस लिमिटेशन है तो नहीं चलेगा, लार्ज एरिया इज नीडेड, एंड अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, नेचर मीन्स विंड स्पीड पर मीन्स डिपेंड करता है, अगर विंड स्पीड आधी हो जाए तो पावर जनरेशन ऑलमोस्ट नील जैसा हो जाएगा, लेकिन विंड स्पीड डबल हो जाए तो पावर जनरेशन उसके क्यूब के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, वो हमने इक्वेशन में देखा है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, तो ये लिमिटेशंस है। तो स्टूडेंट्स इतने सारे टॉपिक्स आप विंड मिल या विंड एनर्जी के शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।